हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो नया वेपन आया है P90 CBR4, तो उसे कैसे अनलॉक कर सकते हैं फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं सीजनल इवेंट में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वेपन मैंने ऑलरेडी अनलॉक कर चुका हूँ और ये वेपन अनलॉक करने के लिए मुझे हार्डली 30 to 45 मिनट्स लगे थे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला मिशन क्या है। पहला मिशन है प्ले 5 मैचेस, तो ये सबसे फास्ट फ्री फॉर ऑल में ही कम्प्लीट हो सकता है। तो गो फॉर फ्री फॉर ऑल शिपमेंट। शिपमेंट मैप सबसे ज़्यादा इजी होता है कोई भी मिशन अनलॉक करने के लिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं किल 20 एनिमीज विथ एनी SMG, अगेन एस शिपमेंट मैप, लेकिन ये इसमें आपको 20 किल करना है। तो फ्री फॉर ऑल में हो सकता है कि आपकी एक मैच में 20 किल्स ना हो, तो इट्स बेस्ट है गो फॉर किल कन्फर्म। किल कन्फर्म में आपको सिर्फ किल करना है, अगर आप टैग नहीं भी उठाते तो उससे ज़्यादा किल कर सकते हो। तो किल कन्फर्म या फ्री फॉर ऑल, आपको जो अच्छा लगे। थर्ड आता है अन द बर्सर्कर मेडल 10 टाइम्स इन MP मैचेस। तो बर्सर्कर मेडल में एग्जैक्टली आपको 3 किल करना है बिना मरे, और 3 किल जैसे ही हो जाते आप मर सकते हो, फिर आपका दूसरी बार चालू हो जाएगा। तो आपको एक ही मैच में अगर ये कंप्लीट करना है तो आपको 3 × 10 मतलब 30 किल्स करने हैं। 30 किल्स के लिए आपको फ्री फॉर ऑल या किल कन्फर्म, तो उससे बेटर है आप हार्ड पॉइंट खेलो। तो हार्ड पॉइंट शिपमेंट में आपका ये ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा। फिर फोर्थ आता है किल 30 एनिमीज विद एनी SMG फिटेड विद रिकमेंडेड इक्विपमेंट सिस्टम रिकमेंडेशन 3 फास्ट ADAs। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट किया था यूजिंग MX9, और जब मैंने वो देखा तो उसके अंदर मुझे फास्ट ADAs का ऑप्शन नहीं दिखा रिकमेंडेशन में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा PP19 से गनस्मिथ में गया। गनस्मिथ में आने के बाद ये जो बल्ब का बटन है आप उसमें जा सकते हो। उसमें जाने के बाद जैसे आप देखोगे तो सिस्टम रिकमेंडेशन में मुझे बैलेंस दिख रहा है, मोबिलिटी दिख रहा है और स्टेबिलिटी दिख रहा है। तो ये स्टेबिलिटी ही फास्ट ADAs है। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप RUS ले सकते हो। RUS के अंदर फास्ट ADAs का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप देख सकते हो फास्ट ADAs, ये लेके आपको बस किल करना है और आपका मिशन कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं किल 20 एनिमीज विद एनी SMG विद दी एजाइल पर्क इक्विप्ड। एजाइल पर्क रेड वाला पर्क है और उससे लेके आपको 20 किल्स करना, अगेन फ्री फॉर ऑल या फिर किल कंफर्म इन शिपमेंट मैप। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट मिशन जिसमें आपका CBR4 अनलॉक हो जाएगा, किल 25 एनिमीज विद एनी SMG विद अ स्टॉक एंड अदर अटैचमेंट इक्विप। 25 किल्स करना है तो फ्री फॉर ऑल में तो नहीं होगा, तो बेस्ट आपका किल कंफर्म या फिर आप सीधा हार्ड पॉइंट या डोमिनेशन लगा दो शिपमेंट के अंदर, ये आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो बस गाइज, यही था आज की वीडियो के लिए, और ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपका इजीली 30 मिनट्स के अंदर CBR4 अनलॉक हो जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हो मेरे हाथ में CBR4 गन ही है, और इसके ऊपर मैं डेडिकेटली एक वीडियो बना लूंगा ये गन कैसी है और उसकी गन स्मिथ के ऊपर बात करेंगे। तब तक के फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।